कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक प्रेम कहानी बहुत जमकर वायरल हो रही थी। दरअसल एक चतुर श्रेणी कर्मचारी जिसका नाम आलोक कुमार होता है, उसने खूब मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा पास कराने के बाद उसको एसडीएम का कैडर भी मिलता है। एसडीएम का कैडर मिलने के बाद उस महिला को किसी पुलिस अधिकारी से प्यार हो जाता है और जब उसके पति आलोक कुमार को ये बात पता चलती है तो वो अपनी पत्नी को पाने के लिए कोर्ट का सहारा लेता है और ये मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इस कहानी में कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाता बल्कि एक अलग तरह का सहारा लिया जाता है। यानी कि एक अपने प्यार को पाने के लिए एक लड़की का कत्ल कर दिया जाता है, लड़की ना कि बल्कि पत्नी का कत्ल कर दिया जाता है और काफ़ी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया जाता है। काफ़ी जिंदगियां जो हैं वो कगार के ख़त्म होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। आज की जो घटना बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो दरअसल बिहार के पटना में रेलवे स्टेशन है और कोतवाली थाना लगता है बीड़ा, और वहाँ पे एक सिनेमा है, मीनाक्षी सिनेमा। और जो कहानी में बता रहा हूँ वो इसी महीने के 20 अक्टूबर 2023 की है। इस मीनाक्षी होटल में तीसरी मंजिल पर रूम नंबर 303 होता है, उसके बगल में एक रूम होता है। वहाँ पे एक जो टूरिस्ट था, जो भी पर्सन था वो रह रहा था, उसे चेकआउट करना था। तो वो रिसेप्शन पर कॉल करता है कि सर मेरे को चेकआउट करना है, आप कमरे में आके एक बार सामान चेक कर लीजिए। रिसेप्शन पे जो बंदा होता है वो ऊपर जाता है और उसका रूम चेक कर लेता है, तो निकलता है तो वहाँ पे काफ़ी रूम होते हैं, तो उसकी नज़र 303 नंबर कमरे पर पड़ती है जो कि खुला हुआ था। तो रिसेप्शन पर जो व्यक्ति था वो अंदर झांकने की कोशिश करता और देखता है कि एक लड़की जो है उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, वो बेड से नीचे फर्श पर पड़ी हुई है। वो थोड़ा सा अंदर और जाकर देखता है तो उसे उसके होश फाकता हो जाते हैं। वो देखता है कि फर्श के ऊपर चारों तरफ खून फैला हुआ है। वो दौड़ता है, चिल्लाता है, और जो कि दुर्गा पूजा का टाइम था, दुर्गा पूजा हो रही थी, नवरात्रि का टाइम था, तो मंदिरों के ऊपर स्पीकर लगे हुए थे उस टाइम पे, तो किसी को भी उसकी आवाज़ नीचे तक पहुंच नहीं रही थी, आसपास किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तो व्यक्ति दौड़ता हुआ नीचे रिसेप्शन पर जाता है और लोगों को बताता है, आसपास के अपने स्टाफ को, और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस वहाँ पर 2 घंटे बाद पहुँचती है। पुलिस जब कमरे के अंदर जाती है तो वो भी देखकर हैरान हो जाती है कि एक लड़की की लाश है बिना कपड़ों के। वो भी पुलिस वाले ये समझ नहीं पा रहे थे, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है, इस हालत में कैसे है। तमाम कोशिशों के बाद पुलिस को एक साइड में वर्दी मिलती है और 3 पन्नों का नोट मिलता है। काफ़ी छानबीन करने के बाद तो पता चलता है कि उन्हें ये लड़की जो है वो शोभा कुमारी है और ये बिहार पुलिस के अंदर ही कार्यकर्त है। तो दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग होती है, काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद खुलासा होता है कि गजेंद्र यादव नाम का लड़का है, पीछे 5-6 साल पहले की बात है, और ये कुर्था में कोचिंग सेंटर चलाता था, पढ़ाता था, और वहीं पर शोभा कुमारी नाम की एक लड़की आती थी कोचिंग सेंटर पर। ये दोनों मिलते हैं और काफ़ी मिल जुलने के बाद इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, प्रेम प्रसंग हो जाता है। लड़का बोलता है लड़की को, मुझे तुमसे प्यार है, और लड़की भी उस लड़के को काफ़ी पसंद करती थी। इसी के बीच जो लड़का है, जो कि जिला जहानाबाद थाना काकू गांव धमवा का रहने वाला था, वो अपने माँ बाप को बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे लड़की से प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो घर वाले हाँ बोल देते हैं शादी के लिए, और लड़की के जो घर वाले थे उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होती शादी से, तो दोनों अपने परिवार की रजामंदी के साथ शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों ठीक ठाक रह रहे थे, लेकिन लड़की की जिद थी कि वो पढ़ना चाहती थी, और पढ़ने की वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी लड़के ने अपनी कुछ ज़मीन बेची और ज़मीन बेचने के बाद अपनी पत्नी को वो लगातार कोचिंग करा रहा था, और कोचिंग कराते कराते साल 2022 में इस महिला का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद वो लगातार ट्रेनिंग पे थी या फिर कहीं उसकी जहानाबाद जैसे जगह पर ड्यूटी चल रही थी। ड्यूटी होने के बावजूद भी इस महिला को छुट्टी नहीं मिल रही थी, और जब जब इसका पति उसको बुलाने की कोशिश करता था, कहता था कि बहुत दिन हो गए हैं, घर आ जाओ, तुम्हारी जो बेटी है, यानी कि अब फिलहाल साल 2023 में वो लड़की 4 साल की हो जाती है। बेटी अपनी माँ को याद करके बहुत परेशान थी, क्योंकि बेटी पापा दादी और दादा के साथ ही रह रही थी और माँ को याद करती रहती थी। तब उसका पति बार बार बोलता था कि शोभा तुम घर आ जाओ, और बेटी बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रही है। लेकिन पत्नी का एक ही बात होती थी, कि जवाब होता था कि छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही हैं,
जिस कारण से उनको दिक्कत हो रही है। अब इसी हिसाब से वक्त आगे आगे बढ़ता चला जाता है और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मन मुटाव रहने लगता है। तभी इस लड़के ने अपने सतर पर जासूसी करना स्टार्ट कर दिया, ये पता करने की कोशिश करते कि आखिरकार उसकी पत्नी जो है आती क्यों नहीं है। तभी उसको कुछ जानकारी मिलती है, अहम सुराग मिलते है, उसको पता चलता है कि एक SSB में, वो भी पुलिस फोर्स में होता है लड़का, जिसका नाम होता है धीरज कुमार। और इनकी दोनों की नज़दीकियाँ आपस में बढ़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रहे थे और उसने जो 3 पन्नों का पेज लिखा था, उस पेज में ये दावा किया गया था कि 29 जून 2023 को उसने छुट्टियां ली और छुट्टी लेने के बाद वो सीधा घर आने की बजाय अपने प्रेमी धीरज कुमार के पास रहने चली गई और 1 जुलाई को वहाँ पर घर पर आती है, यानी कि ससुराल में आती है। यानी कि पूरे 1 साल में उसको पास 2 दिन का वक्त मिला था, 2 दिन ही वो घर पर आई थी। और जब उसे लगातार अपनी पत्नी की रेकी करना शुरू करता है, पता करने की कोशिश करता है, तो उसको लगता है कि धीरज कुमार से उसकी नज़दीकियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है, डिप्रेशन की लगातार दवाइयां लेता है, मेंटली परेशान हो जाता है वो, और वो बहुत ही ज़्यादा दिमागी रूप से, मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। इसी बीच उसकी पत्नी से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि 16 अक्टूबर 2023 को उसकी ड्यूटी भागलपुर से लग जाती है पटना में, जो कि दुर्गा पूजा होने वाली थी, नवरात्र का टाइम था। इसी बीच में 16 अक्टूबर को ये अपने घर से निकलता है, घर से निकलने के बाद सीधा पटना पहुंचता है और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि उसकी पत्नी कहां कहां पर रुकती थी, कहां पर जाती है, कहां कहां नहीं जाती। इसी बीच में अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो 16 अक्टूबर को पहले ही पटना में पहुंच चुका था, फिर भी अपनी पत्नी से मिलने की वो बात कर रहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है एक काम करो, अगर तुम्हें मिलना ही है तो आप आ जाओ और रेलवे स्टेशन के पास में एक होटल है, वो होटल में कमरा लेता है अपनी पत्नी के लिए। 19 अक्टूबर 2023 की शाम को पहुँचता है, कहता है कि हमें एक रूम चाहिए, हमारी पत्नी भी आएगी। लेकिन उस रात पत्नी आती नहीं, पत्नी अगले दिन आती है, यानी कि 20 अक्टूबर की सुबह 9 बजे के आसपास आती है। और 9 बजे के आसपास आने पर वहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा था पूजा की वजह से, और वो अपनी पत्नी के लिए 2 अवैध कट्टे यानी कि तमंचे लेकर भी आता है और वहाँ पर ले जाने के बाद कमरे में जाता है। इसी बीच अपनी पत्नी के सारे कपड़े उतरवाता है और कपड़े उतरवाने के बाद, इससे पहले कि कुछ बातचीत हो पाती, पत्नी को 1 नहीं बल्कि 2 गोलियाँ वो दाग देता है, जिसमें 1 गोली सर में लगती है तो उसका भेजा बाहर निकल जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन इसी शोर शराबे में किसी को देखने की सुनने की कोशिश नहीं की और 9:32 पर उस होटल से वो बाहर निकल जाता है। तभी पड़ोस का रूम जो कि चेकआउट करने वाला था जो व्यक्ति, इसी बीच में एक व्यक्ति ये मांग करता है कि कोई कर्मचारी उसके रूम में आए और आकर उसके कमरा चेक कर ले कि वहाँ पर, फिर उसके बाद वहाँ पर एक लाश मिलती है और लाश मिलने के बाद इस महिला की हत्या के बारे में जानकारी मिलती है। तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और 3 पेज का जो पन्ना लिखा था, अपनी जानकारी लिखी थी, उस समय ये दावा किया जा रहा था कि इस हिसाब से शायद उसने अपने पति पत्नी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन पत्नी को किसी और व्यक्ति या सिपाही से प्यार हो जाता है और अपने ससुराल, अपने पति, अपनी बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से जो पति होता है गजेंद्र यादव, उसे गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है। फिलहाल पुलिस इसी कहानी को सच मान रही है, लेकिन पुलिस अभी इस मामले में और भी जांच पड़ताल में जुटी है, जो भी सच होगा वो जल्द ही सामने आएगा। जो इलाके के DSP हैं उनका ये दावा है कि जितनी जल्दी हो सके वो घटना का खुलासा करेंगे और इस घटना के लिए जितने भी लोग गुनहगार होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने, पत्रकारों ने जब इस लड़के यानी गजेंद्र के पिता से बातचीत की, जिसका नाम राम आश्रय यादव होता है, साथ में उनकी पत्नी होती है, और दोनों का यही कहना था कि जो उनका लड़का है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सीधा साधा है, दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन जरूर थी, लेकिन इसलिए उनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को अलग कर देते हैं, न्यारा कर देते हैं ताकि ये खुशी खुशी रह सकें, और इन्होंने अपनी मर्जी से ही प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह के बाद उन्हें ये सब दिन देखने को मिलेंगे ऐसा कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। इनकी खुशी के लिए ही उन्होंने इनसे शादी के लिए हाँ की थी, लेकिन महिला के बारे में जिस तरह की बातें चल रही थी कि उसने प्रेम विवाह करने के बाद भी किसी और से प्रेम कर रही थी और वो धमकियां दे रही थी कि वो इसका जो प्रेमी है धीरज उसी से ही शादी करेगी, अगर तुम बीच में आओगे
तो वो तुम्हें मार देंगे या फिर गोली मार देंगे। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली कहानी के अंदर।